यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाजियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है, महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलून ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल कर के बाहर आ जाए, कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडी गार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। अब देखिए, बात समझिए, दुनिया में एक केवल इस्लामी ऐसा मजहब है कि जिसके पास पूरी हिस्ट्री है, दुनिया बनने से पहले की भी हिस्ट्री है, दुनिया बनने के बाद की भी, और दुनिया में कब कब किस मकामात पर क्या क्या मसला पेश आया, और किस जमाने में, किस दौर में कौन से नबी आए, उनकी उम्मती को क्यों गर्क किया गया, ये सारे की सारी हिस्ट्री, सारे नॉलेज एक मुसलमान के पास ही है। इसीलिए आप कभी भी इस्लामी स्कॉलर को नहीं देखेंगे, किसी भी इस्लामी स्कॉलर को नहीं देखेंगे, या इस्लाम को सही तरीके से पैरवी करने वाले, इस्लाम को थोड़ा बहुत भी जानने वाले आप किसी ऐसे को नहीं देखोगे जो किसी गैर मजहब का मजाक उड़ाते हो, किसी दूसरे मजहब के पेशवाओं की तौहीन करते हो, उनकी पंडितों की तौहीन करते हो, उनके जो जानने वाले, उनके जो मजहब के जानने वाले हैं उनकी तौहीन करते हो। कोई भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी गैर मजहब की तौहीन करते हो, या उसके मजहब के जो मानने वाले उसकी तौहीन करते हो, या उसके मजहब में जो बड़े हैं उसकी तौहीन करते हो। क्यों? इनके पास अपने मजहब को ही बयान करने के लिए इतना कुछ है कि वो गैर मजहब को बयान क्यों करेंगे। हमारे पास जन्नत की हिस्ट्री है, अगर हम अच्छे अमल करेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे, और जन्नत में क्या क्या चीजें पेश आने वाली है, क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है, हम उसके नजारे उलमाए कराम बताते हैं आपको, हदीसों में बताया गया है। अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे, आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे, तो आपको जहन्नम के रास्ते बताए जाएंगे, आपको सजाएं सुनाई जाएंगी, अगर आप मरेंगे तो आपको कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत किए जाएंगे, पुल सिरात पे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आपको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। तो ये चीजें जो है ना मुसलमानों के ही अंदर पाई जाती है। तो बहरहाल हमारे पास इतना कुछ है बोलने के लिए, इतना कुछ है बयान करने के लिए कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है दूसरे मजहब की तौहीन करने की। तो खैर, हमारे मजहब में इतनी अच्छाइयां हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो अब जो गैर मजहब वाले हैं वो हमारे मजहब को बुरा भला क्यों कहते हैं? एक तो रीजन ये है कि वो सस्ती शोहरत पाने के लिए, कि मैं लोगों में मशहूर हो जाऊं, मुझे कुछ इज्जतें मिले, कुछ मखसूस लोगों से, कुछ चंद लोग हमें इज्जत करने लगे, हमें इज्जत की निगाह से देखने लगे कि हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों के दिलों में मोहब्बत जताने के लिए या तो चंद लोग ऐसे काम करते होंगे, ठीक है, या ये कि वो अपने मजहब, उसके मजहब के अंदर कुछ अच्छाई नहीं है
कुछ सही बात ही नहीं है, उसके खुद के मजहब का नॉलेज ही नहीं है, उसके खुद के मजहब के अंदर कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ हकीकत ही नहीं है, कुछ बयान करने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, और कुछ लोगों के सामने पेश करने के लिए उनके पास कुछ जखीरा ही नहीं है, इसलिए वो दूसरे मजहब की तौहीन करते हैं। या तो उसके मजहब में कुछ नहीं है, या तो सस्ती शोहरत पाने के लिए वो दूसरे मजहब वाले की तौहीन करते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल जिस नबी को हम मानते हैं ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी भी दूसरे मजहब वाले का मजाक मत उड़ाओ, या दूसरे मजहब वाले जो बड़े हैं उनके उनका भी मजाक मत उड़ाओ। तो जिस नबी को हम मानने वाले हैं, जिस नबी के नाम पे हम अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले हैं, जिस नबी को हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस नबी से हम अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस नबी से हम अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस नबी पे हम अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दे, जिस नबी पे हम अपनी माल की कुर्बानी पेश कर दे, जिस नबी पे हम अपनी औलाद को घर बार को सारी चीज कुर्बान कर दे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी दूसरे मजहब वाले की तौहीन ना करो, किसी दूसरे मजहब वाले की पेशवाओं की की बड़े की तौहीन ना करो। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन 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 आज देख लीजिए आप जमाना, आप आंख उठा करके देख लें कि सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग कभी अजान पे पाबंदी लगाते हैं, कभी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आते हैं। खुदारा याद रखे, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की लानतें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियतें पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ने लानतें फरमाई है। और हम सब दुआ करें उस मलून के लिए, उस नालायक के लिए कि जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस मलून के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे, और उनको पूरे इंसानियत के लिए आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बतौर इबरत बना दे उन्हें। जैसे कि फिरौन को इबरत की जा बना दिया गया, ऐसे उन लोगों को भी अल्लाह ताला बना दे अल्लाह कि जो हमारे नबी की शान में, हमारी जान की, हमारी आन की, हमारी बान की, हमारी सब चीज की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। या अल्लाह उसकी जुबान को शल कर दे, या अल्लाह उसके मुंह को, या अल्लाह ऐसा बदसूरत बना दे कि उस पर लोग लानतें, पत्थरे और गालियां बरसाना शुरू करें। तो ऐसे लोगों पर जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं उस पर बेशुमार करोड़ लानतें हो।